नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। सीएम ने न्यूनतम 1000 मेगावाट के पीट हैंड थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए जाने के लिए उत्तराखंड को लगभग 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता की एक कोल ब्लॉक का आवंटन करने का अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि अनुकूल औद्योगिक नीति के कारण राज्य में तेज गति से औद्योगिक विकास हुआ है, जिसके कारण बिजली की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है। सर्दियों के मौसम में बिजली की कमी हो जाती है, क्योंकि कम तापमान के कारण नदियों में पानी का बहाव कम हो जाता है। राज्य में बिजली की मांग प्रतिवर्ष लगभग 4 से 5% की दर से बढ़ रही है। औद्योगीकरण बढ़ने के कारण आने वाले वर्षों में विद्युत की मांग और बढ़ने की संभावना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर जहां एक तरफ बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चारों मठों के शंकराचार्यों ने राजनेताओं की ओर से राम मंदिर के उद्घाटन कराए जाने पर विरोध जताया है। इस बात पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि शंकराचार्य कभी भी भगवान के दर्शन के लिए मना ही नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी त्रेता युग के राक्षसों की तरह तपस्या भंग करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने ऐसे राक्षसों को सजा देकर मृत्यु लोक पहुंचाया है और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के भव्य आयोजन में विघ्न डालने का काम ना करे, अन्यथा भगवान राम इन्हें माफ नहीं करने वाले। देखिए, शंकराचार्य कभी भगवान के दर्शन के लिए मना ही नहीं कर सकते, उनके सब अनुयायी दर्शन करेंगे। तिथि तय करना शंकराचार्य का अपना, अपने पीठ का उनका पक्ष रहता है, कौन सी किस तिथि को वो जाएंगे, उनका स्वरूप है। निमंत्रण देना राम ट्रस्ट का काम था, और जरूरी नहीं कि सब लोग जो निमंत्रण उस तिथि में उसी में सब लोग जाएँ। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि एक कालखंड होता जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उस समय राक्षस शक्तियाँ काम करती थी। आज वही भूमिका कांग्रेस की है, और भगवान राम है ना, भगवान राम ने ऐसे जितने राक्षस लोग थे जो ऋषियों के तप को भंग करते थे, उनको सजा दिए, उनको मृत्यु लोक तक पहुँचाया। आज कांग्रेस को चेतना चाहिए कि हम भगवान राम के पुण्य कार्य में जो ऋषि मुनि जो आज समाज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जो योजना बना रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ब्राह्मण कुल में पैदा हुए यह उनका सौभाग्य है, लेकिन ब्राह्मण समाज का यह दुर्भाग्य है कि महेंद्र भट्ट जैसे उनके कुल में पैदा हुए। यह बड़ा बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन ध्वज के धर्म रक्षक शंकराचार्य के बताए रास्ते को गलत बताए वह कैसे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, और राम मंदिर उद्घाटन की इतनी जल्दी क्या थी जब निर्माण कार्य अभी पूरा ही नहीं हुआ है। कम से कम रामनवमी आने वाली थी, उसका ही इंतजार कर लेते। दरअसल करण मेहरा ने यह प्रतिक्रिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान के बाद दी है। बिल्कुल झूठी खबर है, सारे संत महात्मा शंकराचार्य सब अयोध्या जाएंगे, केवल केवल कांग्रेस के जो शंकराचार्य हैं, खड़गे जी, सोनिया जी, वो नहीं आ रहे हैं, और वो कभी आने की स्थिति में भी नहीं। महेंद्र भट्ट का सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म उन्होंने लिया, और ब्राह्मण समाज का ये दुर्भाग्य है कि उनके कुल में महेंद्र भट्ट जैसा व्यक्ति पैदा हुआ। जो आदमी सनातन धर्म के
सबसे बड़े ध्वज जो सनातन धर्म की चार नींव हैं, उन नींव को जो गाली दे, जो उनके बताए हुए रास्ते को गलत बताए, जो सनातन धर्म के नियम कानूनों को गलत बताए, वो व्यक्ति कैसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मेरे समझ में नहीं आता। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को तोड़ने का काम हमारे महेंद्र भट्ट जी और उनकी पार्टी कर रही है। सनातन धर्म के ध्वजरोहक, हमारे सनातन धर्म के धर्मगुरु शंकराचार्यों के द्वारा प्रकट की शंकाओं का समाधान अगर महेंद्र भट्ट और उनकी पार्टी करती तो हमें खुशी होती। वो बताएं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो मर्यादा पुरुषोत्तम जिनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगता है, जो घटघट वासी हैं, उस मर्यादा पुरुषोत्तम के मूर्ति के स्थापना के दिन या पूजन के दिन आप सारी मर्यादाओं को तोड़ें, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मर्यादा को आप तोड़ें, आप लोगों से ये कह रहे कि 22 तारीख को जो नहीं आएगा वो रामद्रोही होगा। अरे घटघट वासी हैं राम, हमारी सांसों में रहते राम, हमारे रोम रोम में राम, हम यहाँ भी पूजन करें तो राम, हम बाहर पूजन करें तो राम, पूरे जगत में कोई ऐसी जगह है जहाँ राम नहीं है? क्या जरूरी है कि अयोध्या जाके ही राम का पूजन किया जाए? और आप बताएं आपने रामनवमी का इंतजार क्यों नहीं किया? रामनवमी को तो हमारी पीढ़ियां सदियों से हम इस बात को मना रहे हैं कि रामनवमी के दिन हम राम का पूजन करते हैं, राम जी के हम आने की खुशी मनाते हैं, तो रामनवमी का इंतजार कर लेते, उस दिन कर लेते, आखिर इतनी जल्दीबाजी में आप भूमि पूजन शुद्धिकरण और उनके मूर्ति की स्थापना क्यों कर रहे हैं? इस बात का उत्तर तो महेंद्र भट्ट को देना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी इतनी ओछी और इतनी गलत बातें जो महेंद्र भट्ट कह रहे हैं, इसके लिए ब्राह्मण समाज। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख मंदिरों में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक मंदिरों में व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को मंदिर से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चलाकर देश को साफ रखने का प्रयास किया है। मंदिर के लोगों के साथ काम करके ईश्वर की भक्ति को भी प्राप्त किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि स्वच्छ भारत मिशन यह योजना विश्व में जितने लोग हैं सबको इससे जोड़ने का संकल्प लिया है। और 22 जनवरी को जिस महामानव, जिस देवता के नाम से हम लोग जीवन जीने का सलीका सीखते हैं, ऐसे भगवान श्री राम अपने महल में विराजमान होंगे। उससे पहले देश के जितने मंदिर हैं, देवस्थान हैं, उन सबको व्यक्ति अपने कर्मचारियों से नहीं, खुद भगवान का एक कर्मचारी बनकर सभी देवालयों की स्वच्छता करनी है, सफाई करनी है उनके निर्देश के पालन के क्रम में। और ये हम सब की, प्रत्येक देशवासी की जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी के क्रम में मैं भी यहाँ का एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ, यहाँ की जनता ने मुझको आशीर्वाद देकर विधायक बनाया हुआ है। तो सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, मित्रों के साथ, आज हमने भी दुर्गा माता मंदिर में आज सफाई अभियान का शुभारंभ किया है और यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। सभी जगह आम लोगों से हम लोगों ने निवेदन किया है कि जैसे भगवान श्री राम जी वनवास से लौट के अयोध्या 14 साल बाद आए थे, तो लोगों ने भगवान के आने की खुशी में दीपावली मनाई थी, खुशी मनाई थी, ऐसे ही हम सभी लोगों ने आम जनमानस से निवेदन किया हुआ है कि जब भगवान 550 साल की तपस्या के पश्चात 550 साल तक हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने अपने आस्था के लिए, अपने भगवान के लिए इतना संघर्ष किया है कि मुगल काल में औरंगजेब के जमाने से लेके कई सौ साल तक हमारे हिंदू रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काशीपुर में श्री राम मंदिर जन आवाहन यात्रा समिति के तत्वाधान में आगामी 18 जनवरी को होने वाली भव्य यात्रा को लेकर बैठक की गई, जिसमें जिला सह प्रचार प्रमुख आरएसएस प्रेम सिंह चौहान ने बताया कि कड़े संघर्षों के बाद श्री राम का एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को होनी है।
इस दौरान घर घर पूजित अक्षत अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही 22 जनवरी को राम भक्तों से अपने आसपास गली मोहल्ले गांव स्थित मंदिर में 11 से 1 बजे तक सामूहिक हनुमान चालीसा सुंदरकांड हवन पूजन भजन कीर्तन और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम को सीधा टीवी पर देखने और दिवाली की तरह दिए जलाने का आह्वान किया गया है। श्री राम लला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके संबंध में 18 तारीख एक जन आह्वान यात्रा यहाँ पर काशीपुर में निकाली जा रही है, जो अपने रामलीला मैदान से यहीं से होकर और पूरे नगर में घूमेगी। उसके बाद यहीं पे उसका समापन होगा। 18 तारीख को फिर यहाँ पे भंडारा होगा और श्री राम दरबार की आरती का यहाँ पे व्यवस्था की गई। श्री राम दरबार की आरती उसमें सभी हमारे जो काशीपुर के धर्मगुरु हैं, गुरुद्वारा साहिब और मठ मंदिर सभी संत समाज की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि सभी समाज सर्व समाज इसमें 18 तारीख को जो हमारी जन आह्वान यात्रा निकल रही है उसमें सब लोग प्रतिभाग करेंगे। भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसी को लेकर जन आह्वान यात्रा के रूप में एक यात्रा रखी गई है जो कि एक संदेश देगी कि 22 तारीख को अपने अपने घर में भक्तिमय माहौल और एक दीपमय उत्सव के रूप में जो है उस दिन को बनाया जाए, जिससे जो है हमारे जो पर्व है वो दिन है एक भव्य और अलौकिक रूप में जाए। जो कि श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का 22 तारीख को आयोजन हो रहा है, उसमें सभी धर्म और सभी धर्मगुरु चाहे वो कोई भी है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है सभी को शामिल होकर इस शोभा में जो है, क्योंकि धर्म जो है वो एक ही होता है, वो चाहे किसी तरीके से माना जाए और उसमें सबको शामिल होके और खुशी को सबको मनाना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। संत गुरु उपदेश उदासीन अखाड़ा नया संत हूँ, चेती चौराहे में स्थान है उदासीन आश्रम। तो मैं अपनी तरफ से सबको श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जो शोभा यात्रा यहाँ पे काशीपुर में निकलने जा रही 18 तारीख को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में शामिल हो करके सबको आह्वान किया जाए, सबको ये पता लगे कि ये राम जी श्री राम महाराज जो जैसे कि आप जानते हो हिंदुस्तान में 700 साल मुगलों ने और दूसरे मुस्लिम राजाओं ने राज किया, गुलामी हिंदुस्तान ने सहन करी। वरिष्ठ बीजेपी नेता और राम भक्त भारत भूषण चुग का 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूजा सामग्री और कैलेंडर वितरण करने का अभियान जारी है। इस भीषण सर्दी में संजय नगर खेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में शीश नवाया और प्रभु श्री राम के जयकारे के साथ पूजा सामग्री और कैलेंडर वितरण का अभियान शुरू किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह देश प्रभु श्री राम का है और पूरे देश की जनता प्रभु राम की अनुयायी है, ऐसे में यह सौभाग्य का विषय है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज करोड़ों लोगों की आस्था के पश्चात प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे, जो पूरे देश के लिए गौरव और हर्ष का पल है। तो समाज के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने महल में पधार रहे हैं। जब हम बच्चों की शादी करते हैं तो घरवाली और ससुराल वाले पूछते हैं कि हमारे लड़के का दामाद का घर कब होगा, तो सीता माता का परिवार भी पूछता था कि कब राम जी अपने घर में आएंगे। छोटे से टेंट में रह रहे थे वो 500 सालों से, एक जो ढांचा था विवादित उसको गिराकर। तो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में, योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सर संचालक मोहन भागवत जी के सानिध्य में और हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सानिध्य में हम लोग घर घर जाकर ये कैलेंडर बांट रहे हैं, दिए बांट रहे हैं, ताकि कोई भी परिवार, ये देखो आप दिया है, इसमें तेल है, बाती है, माचिस है और ये कैलेंडर है, ताकि कोई भी घर अछूता न रहे, सब लोग दिवाली मनाएं। दिवाली मना भी रहे हैं, घरों में लड़ियां लगाएं, मिठाई बांटें, आतिशबाजी करें, जगह जगह पूरे देश और नहीं विदेश में भी जगह जगह सुंदरकांड का प्रोग्राम हो रहा है, रामचरित मानस के पाठ के हो रहे हैं, शोभा यात्राएं निकल रही हैं, कलश यात्राएं निकल रही है।
तो उसी को लेकर मेरा भी एक उद्देश्य है कि हमारी जो बस्तियां हैं, जो पॉश बस्ती है उसमें तो लोग कर लेंगे, लेकिन जो छोटी छोटी बस्तियां उनमें जागरूकता अभियान हो और सब लोग दीपावली जैसा उत्सव 22 जनवरी को मनाएं। राम जी अपने महलों में आ रहे हैं, जो सबके आराध्य हैं, सबके इष्ट हैं। और खाली भारत में नहीं, अमेरिका में भी तैयारी चल रही है, इंग्लैंड में भी तैयारी चल रही है। जहां जहां हिंदुस्तानी लोग, सनातनी लोग रहते हैं, वह राम भगवान के मंदिर में पहुंचे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के आह्वान पर प्रदेश भर के सभी जिला, महानगर, ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटियों की ओर से दिवंगत अंकिता भंडारी को समर्पित 3 दिवसीय अंकिता भंडारी को न्याय 2 यात्रा का आगाज हो चुका है। कांग्रेस ने हाथीबिड़कला चौक से गांधी पार्क तक अंकिता भंडारी को न्याय 2 यात्रा निकाली, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रोतेला समेत तमाम नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दिवंगत अंकिता भंडारी के पिता की ओर राज्य सरकार को लिखे पत्र में अंकिता प्रकरण में शामिल VIP और रिस्टोर्ट में तोड़फोड़ करवाने वालों का नाम उजागर करने के बावजूद बेटी बचाओ का नारा बुलंद करने वाली राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान कांग्रेसजनों की ओर से अंकिता प्रकरण में शामिल VIP और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कराने वालों की जांच कराए जाने की मांग की गई है। अंकिता सहित उन सब बेटियों को समर्पित है जो शोषण का शिकार हो रही हैं, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है और जो बलात्कार का शिकार हुई है। और इसमें 2 बातें मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ। साक्ष के दौरान कोर्ट में एक गवाह ने कहा है कि बुलडोजर चलाने का आदेश उसको किसने दिया। वंसरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाने का मतलब है कोई साक्ष नष्ट करना चाहता था। हत्या के साक्षियों को नष्ट करना अपने आप में एक बड़ा भारी आपराधिक कृत्य है। तो ऐसा आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को, जिनके नाम कोर्ट के सामने लिए गए हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और एडिशनल चार्जशीट दायर करके उनको कोर्ट में ट्रायल के लिए पेश किया जाना चाहिए। अंकिता ने अपने बयान में कहा था, जो है, जो अपने आप में बड़ा भारी साक्ष्य है, कि एक VIP आ रहा है कल और उसको विशेष सेवा देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जाता है और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। और जो रिसोर्ट मालिक है वह एक VIP को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए बाध्य करता है, उसको मजबूर किया जाता है, लेकिन जब वो इनकार कर देती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और आज तक उस जो VIP है, जो सुबोगाहट है, वो शीर्ष पद पर आसीन भारतीय जनता पार्टी का नेता है। हम चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले, इंसाफ मिले और वो चेहरा बेनकाब हो। और ये लड़ाई हमारी बदस्तूर जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता अंकिता को। जो नैतिकता की बात करती है, जो चरित्र की बात करती है, जो मातृशक्ति की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उसका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। जनता समझ चुकी है इनकी कथनी और कथनी में कितना अंतर है और मातृशक्ति के साथ इनका किस तरह का व्यवहार होता है, किस तरह से उनके प्रति सम्मान है, ये जाहिर हो चुका है। देखिए, हमारा कहना है कि जो भाजपा की सरकार है वो बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आई है और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बहुत बड़ा नारा दिया, महिला सशक्तिकरण का एक नारा दिया, लेकिन जब पहाड़ की एक बेटी, उत्तराखंड की एक बेटी के साथ यौन शोषण की कोशिश की जाती उनके पूर्व राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा और उसकी हत्या की जाती है, तो पिछले 1.5 साल में ये सरकार संवेदनहीन सरकार हो जाती है और ये सरकार आज उस बच्ची के साथ न्याय नहीं कर पाती है। सबसे पहले जो सरकार के द्वारा काम किया जाता है वो रात को 1:30 बजे क्षेत्रीय विधायक द्वारा उस जगह पे बुलडोजर चलाया जाता है जहाँ पे आपका साक्ष्य मिल सकते हैं। आज अंकिता के माता पिता ने एक DDIP का नाम लिया है, वो जो भाजपा के संगठन से है। अगर भाजपा को लगता है कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उसमें जांच कराने में कहाँ उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपको
अपने लोगों को बचाना है, भाजपा के संगठन के लोगों को बचाना है, भाजपा के वीवीआईपी का नाम उसमें है, तो आप हमारे पहाड़ के एक बेटी को, हमारे उत्तराखंड के एक बेटी को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। और लगातार महिलाओं के ऊपर से जो उत्पीड़न की घटनाएं हैं उस प्रदेश में बढ़ गई, जिसको देवभूमि कहा जाता है, इसके खिलाफ। देश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेसी फिर से सड़क पर उतर गए हैं। कांग्रेसियों ने अंकिता भंडारी न्याय पद यात्रा ऋषिकेश में निकाली है। न्याय पद यात्रा रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन से शुरू होकर त्रिवेणी घाट स्थित गांधी स्तंभ पर पहुंचकर खत्म हुई। इस दौरान कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी गणेश गोदियाल सहित तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता न्याय पद यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेसियों ने धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि घटना के सवा साल बीतने के बाद भी सरकार ने आज तक वीआईपी का नाम उजागर क्यों नहीं किया है। अंकिता भंडारी की हत्या करने वाले आरोपियों की कार्रवाई भी कोर्ट में सरकार धीमी गति से चला रही है। इसका केवल यही मकसद है कि मामला ठंडे बस्ते में चला जाए और सरकार आरोपियों को बचा सके। सभी को ज्ञात है कि हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मणिपुर से लेकर मुंबई तक ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये चरण उन्होंने शुरू किया है, जो कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। उसमें उन्होंने संदेश दिया कि पूरे देश में जहां जहां लोगों को सरकारों से न्याय की उम्मीद हो और सरकारें जानबूझकर अन्याय कर रही हो, अपनी आवाज को बुलंद करिए। आज की हमारी ये महानगर कांग्रेस कमेटी ऋषिकेश की ये पदयात्रा, ये उसी यात्रा का एक छोटा सा रूप है और उसी यात्रा को समर्पित है कि यहाँ की सरकार जानबूझकर अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचा रही है। किसी व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना बहुत ही दुखद है, लेकिन सरकारों का इसे अपराधी को बचाना ये उससे भी बहुत बड़ा निंदनीय है और बहुत ही ये तो बहुत ही दुखद सरकारों के द्वारा कृत किया गया है। तो इसलिए आज जबकि अंकिता भंडारी की मां ने विलाप करते करते इस बात को, एक व्यक्ति के नाम को उजागर किया और उसके बावजूद उत्तराखंड की पुलिस सरकार की वकील बनकर सामने आ रही है, तो ऐसे में ये और भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा एक कर्तव्य हमें आह्वान कर रहा है कि हम घरों से निकलें और अंकिता भंडारी के लिए लड़ाई लड़ें। उत्तराखंड की पुलिस का ये कहना कि अंकिता भंडारी की मां जो भी साक्ष्य हैं वो दें, ये बहुत ही हास्यास्पद है, बचकाना बयान है। साक्ष्य तो अंकिता भंडारी की मां ने तो संदेह बताया है और उस व्यक्ति की जांच का काम पुलिस का है, पुलिस को जांच करके साक्ष्य जुटाने हैं। हम सीधे सीधे पुलिस को ये बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति का नाम अंकिता भंडारी की मां ने लिया है, उस व्यक्ति के फोन कॉल्स, उस व्यक्ति के व्हाट्सएप पे जितने भी बातें होती हैं उस दौरान, उस व्यक्ति के और भी कोई संपर्क के माध्यम हो, उन माध्यमों से जो अभियुक्त हैं उनके साथ क्या क्या बात हुई, वो सरकार को जांच करनी चाहिए। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहे AIMI News के साथ। नमस्कार।